असलम स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन आई एम योर साइंस टीचर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर टेन एंड यूनिट टेन नेम इज़ लाइट टॉपिक नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर वन है वट आर पिगमेंट्स पिगमेंट्स क्या होते हैं केमिकल्स विच प्रोड्यूस कलर्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स ऐसे केमिकल्स जो कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पिगमेंट्स बोलते हैं क्योंकि जो कलर्स हैं वो अगर एक कलर है तो वो कम से कम टू कलर से मिलके बनता है क्योंकि जो सारे कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स को आपस में मिलाने से ही बनते हैं नेम सिक्स थिंग्स विच कॉन्टेन पिगमेंट्स वो कहते है, हैं सिक्स थिंग्स के नेम बताएं जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं पेंट्स में इंक में कलर्ड क्रेयॉन्स में पेटल्स में लीव्स ऑफ प्लांट्स में स्किन ऑफ एनिमल्स में इनमें क्या पाया जाता है पिगमेंट्स पाया जाता है वट आर प्राइमरी पिगमेंट्स कलर प्राइमरी पिगमेंट्स कलर्स कौन से होते हैं देर आर थ्री प्राइमरी पिगमेंट कलर्स रेड ब्लू एंड येलो नेम द सेकेंड्री पिगमेंट्स कलर्स द सेकेंड्री पिगमेंट कलर्स आर मेजेंडा ग्रीन एंड ऑरेंज हाओ दे आर प्रोड्यूसड जो मेजेंडा कलर है वो कैसे प्रोड्यूस होगा जो ग्रीन कलर है वो कैसे प्रोड्यूस होगा और ऑरेंज कलर कैसे प्रोड्यूस होगा ठीक है जब टू प्राइमरी कलर्स आपस में मिलते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है ठीक है अब यहाँ पे रेड और ब्लू जब मिलेगा तो हमारे पास क्या आएगा मजंडा कलर जब ब्लू और येलो मिक्स होंगे तो हमारे पास क्या आएगा ग्रीन जब येलो और रेड आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास क्या आएगा ऑरेंज कलर आएगा एक्सप्लेन वाई इन वाइट लाइट जब वाइट लाइट को हम पास करते हैं तो रेड पॉइंट अपेयर्स रेड जो रेड पॉइंट है वो हमेशा रेड रहता है और जो प्लांट लीव्स अपेयर ग्रीन जो ग्रीन कलर है वो हमेशा ग्रीन रहता है और ब्लू इंक अपेयर ब्लू जो ब्लू कलर है वो हमेशा ब्लू रहेगा इसकी वजह क्या है ठीक है रेड सरफेस अब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन एंड रिफ्लेक्ट रेड लाइट जब हम रेड फिल्टर में से लाइट पास करेंगे वाइट लाइट में वाइट लाइट जब पास होगी तो रेड लाइट क्या करेगी रेड फिल्टर पेपर क्या करेगा ब्लू और ग्रीन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और रेड को ट्रांसमिट कर देगा ठीक है जैसे इस पिक्चर में शो हुआ हुआ है ठीक है यहाँ से रेड लाइट पास हो जाएगी और ग्रीन में क्या होगा ग्रीन वाला ट्रांसमिट हो जाएगा बाकी टू कलर्स क्या हो जाएंगे अब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लू वाले में क्या होगा ब्लू कलर ट्रांसमिट हो जाएगा और बाकी टू कलर्स क्या हो जाएंगे बाकी जितने भी कलर हैं वो क्या हो जाएंगे अब्जॉर्ब यानी जो पॉइंट राइट रा 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 आगे जाएगी वही क्या होगी ट्रांसमिट हो जाएगी बाकी कलर्स क्या हो जाएंगे ब्लॉक हो जाएंगे ठीक है इसलिए जो रेड है वो रेड रहेगा और जो ग्रीन है वो ग्रीन रहेगा और जो ब्लू है वो ब्लू रहेगा एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स आर वाइट वाइट ऑब्जेक्ट्स आर व्हाइट जो वाइट ऑब्जेक्ट है वो वाइट क्यों रहते हैं वाइट सर्फस रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर जो वाइट सर्फस है वो सारे कलर्स को क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम के सब कलर्स को क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है इस वजह से क्या होता है कि वाइट लाइट में हम, हमेशा वाइट ही रहती है ब्लैक ऑब्जेक्ट आर ब्लैक ब्लैक कलर ऑब्जॉर्ब ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर फॉर द स्पेक्ट्रम अपेयर्स ब्लैक यानी जो ब्लैक कलर वो सारे कलर्स को क्या कर लेगा स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है वो कुछ भी आगे पास होने नहीं देता जिसकी वजह से क्या होगा जो स्पेक्ट्रम का कलर आएगा जो स्पेक्ट्रम में पेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा ब्लैक कलर में ही होगा जो वाइट और ब्लैक के लिए क्या मेन डिफरेंस है वाइट में वाइट रहता है और ब्लैक में ब्लैक रहता है क्योंकि जो वाइट है वो सारे कलर्स को क्या कर देती है पास कर देती है ठीक है वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ठीक है रिफ्लेक्ट करती है सबको और जो ब्लैक है वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है सब कलर्स को जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक रहता है टॉपिक नंबर एट है आपके पास विश टू प्राइमरी कलर्स ऑब्जॉर्ब रेड लाइट वो कहते हैं कौन से टू कलर्स हैं जो रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ब्लू और ग्रीन ऐसे कलर्स हैं जो रेड लाइट को क्या कर लेते हैं ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं विश टू सेकेंडरी कलर्स रिफ्लेक्ट रेड लाइट कौन से वो कहते हैं टू सेकेंडरी कलर्स के नेम बताएं जो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं मेजेंडा और येलो ठीक है मेजेंडा एंड येलो क्या करते हैं रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं द पिक्चर लॉन्ग साइड शोज एन एक्टर वियरिंग अ येलो शर्ट एंड ब्लू ट्राउजर स्टेंडिंग इन अन लाइट ठीक है एक पिक्चर है उसमें एक आदमी है वो खड़ा होगा ठीक है सियान लाइट में खड़ा होगा तो वो कहते हैं विच प्राइमरी कलर्स मेक सियान लाइट दो सियान लाइट है कौन से कलर से मिलके बनती है ग्रीन एंड ब्लू कलर से मिलके बनती है सियान लाइट ठीक है एक बात तो ये हो गई वाट कलर डू द एक्टर शर्ट एंड ट्राउजर अपेयर अंडर द सियान लाइट वो कहते हैं आप बताएं जो एक्टर था तो सियान लाइट की रोशनी में उसकी जो शर्ट है उसका कलर क्या होगा जो उसका ट्राउज़र है उसका कलर क्या होता है जो तो सियान की लाइट है उसमें जो येलो कलर होगा जो सियान लाइट है वो क्या करेगी वो रिफ्लेक्ट करती है ब्लू और ग्रीन को और अब्जोर्ब कर लेती है रेड को ठीक है अब जो येलो कलर है वो अब्ज़ॉर्ब करेगा किस ग्रीन को ठीक है यानी ग्रीन को क्या करेगा अब रिफ्लेक्ट करेगा ठीक है तो जिसकी वजह से शर्ट का कलर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा अब जो ब्लू कलर है ब्लू कलर क्या करता है ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए जो पेंट का कलर है वो क्या रहेगा ब्लू रहेगा ठीक है, है? शर्ट का कलर जो था एक्टर की शर्ट का कलर येलो था ठीक है जो सियान लाइट है वो क्या करती है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती है ठीक है सियान लाइट जो है ब्लू और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से शर्ट का जो कलर था वो क्या हो जाएगा येलो के बजाय क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा और जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है इसलिए उसका पेंट का कलर क्या रहेगा ब्लू रहेगा ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट टू ग्रो वट वुड हैपन टू प्लांट्स इन अ डार्क ग्रीन हाउस इफ दे लिट ओनली बी ग्रीन लाइट ठीक है तो वो इसका क्या होगा जो द प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू मेक देयर फूड मतलब कि जो प्लांट्स होंगे वो अपनी खुराक नहीं बना सकते ओनली रेड एंड ब्लू पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर यूज इन फोरेसेंथिस क्योंकि अगर उन्हें मिल ही ग्रीन सिर्फ हम उनको दे ही सिर्फ ग्रीन लाइट पर हैं तो ग्रीन लाइट क्या करेगी जो लीव्स होंगे उनके साथ क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा तो पौधे क्या कर सकेंगे अपनी खुराक नहीं बना सकेंगे ठीक है होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ओके क्लास अल्लाह हाफिज़